हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 3ds Max के अंदर पैरामेट्रिक वॉल आप किस तरीके से रेडी कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टाइप की अगर आपको वॉल बनानी है तो आप किस तरीके से रेडी कर सकते हो, या फिर और भी अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो काफी ऑप्शंस हैं जो आप पैरामेट्रिक वॉल में बना सकते हो। कोई भी डिजाइन आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो ये इजी वे में बताऊंगा कि बिल्कुल कैसे इजी वे में आप इन सब चीजों को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे जाके देखें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 3ds Max, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, ऑटोकैड, लूमियन, फोटोशॉप, इन सभी से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड सबसे आपको वीडियोस मिलने वाली है। आप सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और बड़े ही इजी वे में आप इन सब सॉफ्टवेयर को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप मेरी वेबसाइट अगर विजिट नहीं किया तो प्लीज मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहां पे आपको सभी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरे अपकमिंग कोर्सेज, ऑनगोइंग कोर्सेज, जो मेरे अपकमिंग कोर्सेज है वो है इंटीरियर डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग बैच 6, जो 6999 में आप परचेज कर सकते हैं, जो 6 मार्च से लॉन्च होने वाला है। उसके बाद है ऑटोकैड 3ds Max V-Ray, जो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और फिर है ऑटोकैड प्लस रेविट, जो भी 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, रात को 9 से 10 जो टाइमिंग रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। और ज्यादा चेकआउट करने के लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी दीपक वर्मा के नाम से। तो यहाँ पे जो एंड्रॉयड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऐप पे आप अपने नंबर से इंस्टॉल करोगे, रजिस्टर करोगे, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और वहीं से आप परचेज कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और ODIMM मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो डाल सकते हो और आप ऐप को प्ले कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की वॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम उस बारे में बात करेंगे। इस टाइप की वॉल को बनाने के लिए मान लो मैं अभी इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक, और मैं कर देता हूँ हाइड सिलेक्शन, ठीक है। हाइड सिलेक्शन करने के बाद मैं अब दूसरी वॉल बनाता हूँ। वॉल बनाने के लिए पहले मैं बॉक्स लेता हूँ और एक वॉल को क्रिएट करता हूँ, और जो बॉक्स की प्रॉपर्टी है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे। लेंथ जो है वो मैं मान लो 9 इंचीज रखता हूँ, विड्थ उसकी मैं रखता हूँ कोई 20 फिट के अराउंड, और हाइट रखता हूँ 10 फिट। ये मेरी एक मान लो नॉर्मल सी वॉल है जिसके ऊपर मेरे को पैरामेट्रिक वॉल बनानी है। पैरामेट्रिक वॉल बनाने के लिए सिंपल सा रूल है, आपको क्या करना है, आप एक साइड पे चले जाओ, लेफ्ट साइड पे, और आप शेप पे जाओ, आप रेक्टेंगल चूज करो, स्नैप को ऑन करो, और यहां से आप एक रेक्टेंगल बना दो इस तरीके से, ठीक है। एक ही रेक्टेंगल बनाना है और इसी के अंदर ही सारे चेंजेस होने वाले हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन पे क्लिक कर दो। स्प्लाइन पे क्लिक करने के बाद वर्टेक्स सेलेक्ट करो, और राइट क्लिक करके रिफाइन पे क्लिक करके आप मल्टीपल वर्टेक्स लगा दो। जितने वर्टेक्स आप यहाँ पे लगाओगे उतने ही कर्व्स आप उस शेप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये लगाने के बाद स्नैप को ऑफ कर दो, और इन वर्टेक्स को, बीच वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हम कर देते हैं स्मूथ। स्मूथ करने से क्या होगा कि किसी भी वर्टेक्स को आप सिलेक्ट करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी स्मूथनेस चेंज कर सकते हो, कि कोई भी शेप आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो मैंने ये वाली शेप दी, अब जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको दिक्कत लगे तो अब आप मैन्युअली वो शेप को चेंज कर सकते हो, कि ऐसे करके मैंने शेप को चेंज की, या फिर इसको क्लिक करके आप ऐसे करके शेप को चेंज कर सकते हो। तो एक मैंने मान लो ये वाली शेप ली है यहाँ पे, ठीक है। आप इसे अपने तरीके से एडजस्ट करें, जितना राउंडनेस आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको करना इतना है कि मैं इस शेप को सिलेक्ट करके यहां से, मान लो यहां से सिलेक्ट करूंगा, स्नैप को ऑन करूंगा, ऑटो ग्रिड मैं यहां से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑटो ग्रिड नहीं, ऑटो, जो हम एनिमेशन का काम करेंगे। मैंने इसको रख दिया 100 पे, और इस शेप को मैं शिफ्ट प्रेस कर इसको मूव कर दूंगा यहां पे, जो मेरा इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका स्नैप ना हो तो आप एंगल स्नैप पे राइट क्लिक करें और अनेबल एक्सिस कॉन्स्टेंट को ऑन कर ले, ताकि वो इजिली उस चीज को वहां तक आपकी एज तक स्नैप कर दे, वरना आप स्नैप टू
वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप करके वहां पे मूव कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे इस तरीके से एक एनिमेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं 20 पे जाता हूं, यहाँ पे 20 वाले फ्रेम पे लेफ्ट साइड जाता हूं, देखो ये यहाँ पे आ गया। जब तक ये यहाँ पे पहुंचे इसकी पोजीशन में थोड़ी चेंज चाहता हूं। तो जैसे मैं अगर आपको क्लियरली दिखाऊं तो देखो, एक आपने ये वाली पोजीशन डाल दी, उसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स के बाद आप अलग से पोजीशन चाहते हो, तो उसके लिए मेरे को वो वाली चीजें एडिट करनी पड़ेगी। मैं लेफ्ट पे जाता हूँ, स्नैप को ऑफ करता हूँ, वर्टेक्स को यहां से क्लिक करता हूँ। अब इन वर्टेक्स को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ कि ये मुझे अब अंदर चाहिए, कुछ इस तरीके से जो अंदर थे उसको मैं बाहर कर देता हूँ ताकि वो शेप के अंदर चेंजेस आए। इन वाले चीजों को सिलेक्ट करके मैं विद द हेल्प ऑफ हैंडल चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लियरिटी से चीजों को चेंज करते हो इस टाइप की शेप्स को यहाँ पे लेके आने के लिए। वो आप सोचोगे कि किस तरीके से शेप को मैं वहां पे लेके आ सकता हूँ। मान लो मैंने ये वाला चेंज किया, उसके बाद मैं चलता हूँ 40 पे, 40 पे अब मैं दूसरा चेंज करता हूँ कि इसको हल्का सा, मान लो मैंने आगे किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मान लो अपने तरीके से मैंने मूव किया, इसको मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसको मैंने हल्का सा बाहर की तरफ ये वाली शेप में ले आया, और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ताकि ये वाली शेप में वहां पे ले पाऊं, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने शेप दी, जितने वेरिएशन दोगे उतनी आपकी अच्छी वहां पे जो पैरामेट्रिक वॉल है वो बन जाएगी। 60 पे जाके इसको मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ, ऐसे इसको मैं यहां से अंदर की तरफ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, यहां से कोई भी शेप मैं बना रहा हूँ, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मैं उसी टाइप की बना रहा हूं, मैं कोई भी शेप बना रहा हूं। यहाँ पे 80 पे गया, इसको सिलेक्ट किया थोड़ा ऊपर की तरफ और थोड़ा मान लो बाहर की तरफ, इसको इसके अकॉर्डिंग एज को सिलेक्ट किया ताकि वो स्मूथ नजर आए आपको हल्का सा, इसको सिलेक्ट किया बाहर की तरफ, इसको किया अंदर की तरफ, इसको किया यहाँ पे बाहर की तरफ या फिर ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। और 100 पे जाके मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ऐसे किया, इसको हल्का सा बाहर, इसको अंदर, इसको सिलेक्ट किया, चीजों को चेंज किया, और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करने से क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे आपको घुमा के दिखाऊं इसको, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो डांसिंग हो रहा है, अगर मैं प्ले करता हूं तो ये आपकी शेप ऐसे चेंज होती जा रही है। अब इतना सा काम करने के बाद, ये आपका काम इंपॉर्टेंट है, बस यही काम करना है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको स्टॉप करो। इतना सा काम करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको एक्सट्रूड करता हूं, इस वाले फेस को एक्सट्रूड कर दूंगा, मान लो मैं -1 इंच, प्लस में करूंगा तो इधर वाला एक्सट्रूड होगा, मेरे को उधर करना -1, मैंने 1 इंच। जितना कम अमाउंट में एक्सट्रूड करोगे उतना प्यारा वो डिजाइन वहां पे बनने को आपको दिखेगा। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब टूल पे जाना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टूल पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पे क्लिक करो, तो जितना फ्रेम आपने बनाया था ना, इस पूरे का एक स्नैपशॉट आ जाएगा, टूल्स स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट पे जाके रेंज क्लिक करना है, सिंगल स्नैपशॉट नहीं, रेंज, रेंज कितनी, 0 to 100 फ्रेम जो यहाँ पे थी, और कॉपीज मान लो आप 40 डाल के देख लो, 50 डाल के देख लो, 60 डाल के देख लो, जितने में भी आपको सही लगे उतना आप वहां पे डाल के देख सकते हो। मान लो मैंने 100 कॉपी की और मैंने कर दिया मैश, ये सारे मैश हो जाए, ओके करते ही तो आप देखो 100 कॉपीज में आपका इस तरीके से एक डिजाइन क्रिएट हो गया। स्टार्टिंग में थोड़े मिल्के आएंगे, बीच में थोड़े ओपन हो जाएंगे, फिर मिलते हुए चले जाएंगे, तो इस तरीके से आपका एक डिजाइन यहाँ पे बड़ा प्यारा सा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। मान लो मैं दोबारा से यहाँ पे स्नैपशॉट पे जाता हूँ, और इसको मैं 100 की जगह मान लो मैं 50 करता हूँ, 50 में क्या होगा, तो इस तरीके से आएंगे आपके डिजाइन, देखो ठीक है। अगर मैं अंडू करता हूँ, दोबारा से स्नैपशॉट पे जाता हूँ, 50 की जगह मान लो मैं 150 करता हूँ, तो और ज्यादा मैश होके आएंगे, और आपका डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रिएटिव नजर आएगा, बट स्टार्टिंग में ये सारे मैश होते चले जाएंगे, आपस में मिलते चले जाएंगे, तो इतने डालो जितना आपको वो देखने में भी अच्छा लगे। तो 100 आई थिंक यहाँ पे ठीक था, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना है उसे एक्सट्रूड करते हो और कितनी वैल्यू उसके अंदर आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ से लेफ्ट में जाओ, सबको सिलेक्ट करो, और सबको सिलेक्ट करने के बाद मान लो मैं एक कोई भी मटेरियल इसको अप्लाई कर देता हूँ, और मटेरियल का कलर मान लो मैं ब्राउनिश कर देता हूँ, तो आप देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का आपको डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा आगे करता हूँ, और आगे करने के बाद राइट क्लिक, अनहाइड ऑल करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे
एक डिजाइन आपका ये हुआ यहाँ पे, मैं इसको साइड में रखता हूँ, और एक डिजाइन ये, तो किसी भी टाइप का आप डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे जितने आप वेरिएशन उसके अंदर डालोगे उसी टाइप के आपके बनते चले जाएंगे। जैसे ये है तो उसी टाइप के कर्व्स आपको बनाने हैं, बस कर्व्स के ऊपर मेहनत करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देखो कितने सारे टाइप्स के हैं। जैसे ये भी अगर आपको बनाना है तो स्टार्टिंग में आप कर्व्स को इस तरीके से रख सकते हो स्ट्रेट, उसके बाद एक एक कर्व्स को आगे फ्रेम, एक एक फ्रेम पे आगे लेके जा सकते हो और इस तरीके का कर्व बना सकते हो ताकि वॉल का डिजाइन आप बना पाओ, और आप किसी भी वॉल पे वहां पे लगा सकते हो जो देखने में बहुत ज्यादा क्रिएटिव आपको नजर आएगा। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप ये पैरामेट्रिक वॉल्स बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।